सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियोस। मेरा नाम है मयूर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है मेरे सब्सक्राइबर है जो इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं कि उनकी प्लेस्टेशन 3 में जब वो किसी गेम को प्ले करते हैं तो ब्लैक स्क्रीन हो जाती है यार गेम, और आगे बढ़ती नहीं है। उनको अपना प्लेस्टेशन 3 फिर आखिरी में थक हार के बंद करना पड़ता है और फिर से उसे चालू करना होता है, ठीक है, यानी कि रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, तो आज ये टॉपिक इसी के ऊपर होने वाला है, ठीक है। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आपको। वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, फिर आप स्किप करेंगे तो फिर आपकी गलती होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले आपको वो वीडियो चेक करनी है, आपको देखनी है और उसका जो प्रोसेस मैंने बताया आपको वो फॉलो करना होगा। उसके बाद आपको ये वीडियो में जो बता रहा हूँ आपको वो फॉलो करना होगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, ये तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम जो मैं मेथड आज बता रहा हूँ इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर फिर भी किसी भाई की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है वो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर आके मैसेज करें। मैं इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पर दे रहा हूँ, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके भी आ सकते हैं, मुझसे आके वहाँ पे बात करें, जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी मैं सॉल्व करवा दूंगा। बट चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना और उससे पहले मेरी दोनों वीडियोस को वॉच कर लेना, एक ये वाली और एक जो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप मुझसे आके वहाँ पर बात करना और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दूँगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर करना क्या है, अगर आप हैन यूज़र हैं तो हैन को इनेबल कर लें, और अगर आप CFW यूज़ कर रहे हैं तो आपको हैन तो उसमें होता नहीं है, ठीक है, उसमें आप डायरेक्टली जो प्रोसेस बताऊंगा उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। अब दोस्तों, हैन को इनेबल करने के बाद सबसे पहला अपना काम होगा, यहाँ पे लेफ्ट में जाएंगे सेटिंग की ओर, यहाँ पे आपको आना है सिस्टम सेटिंग में, ओके, एक्सप्रेस करेंगे। ये ऑटोमेटिक अपडेट अगर ये चालू हो इसको बंद कर लेना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले व्हाट्स न्यू वाला ऑप्शन अगर ये चालू हो इसको भी बंद कर लेना। ओ दबा के बैक करेंगे, नीचे आएंगे, सबसे नेटवर्क वाला ऑप्शन नज़र आएगा, सिंपली एक्सप्रेस करेंगे और यहाँ पे थर्ड नंबर पे आके अपने प्लेस्टेशन को किसी भी एक नेटवर्क से कनेक्ट कर लेंगे, या अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट से या लैन केबल से। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं सिर्फ यहाँ पे टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन पे एक्सप्रेस कर देता हूँ ताकि ये जो मुझे कन्फर्म हो जाए कि हाँ मेरा प्लेस्टेशन 3 जो PS जो है मेरा हॉटस्पॉट से कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर सक्सेस आ जाता है, वो प्रेस करके बैक आ जाएंगे, फिर से ओ प्रेस करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट में आपको आना है। अब दोस्तों, आपकी जो भी गेम हो, यानी कि अगर आपकी PKG गेम है जो कि इस तरीके से स्क्रीन पे शो होती है, या आपकी मल्टी मेन गेम है जिसके अंदर आपने देखा होगा MMCM के अंदर कुछ गेम होती है, तो अगर वो हो, मैं दोनों का मेथड बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, सबसे पहले अपनी गेम की प्रोफाइल पर आना है, सिंपली उस पर ट्राइंगल प्रेस करना है, चेक फॉर अपडेट पर आना है और यहाँ पर एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको इस गेम का अपडेट करना होगा, ठीक है, अपनी गेम को अपडेट करना होगा। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली एक्सप्रेस करना है। अगर ये अपडेट मांगता है तो ये अपडेट होने दे, पहले ये डाउनलोड होगा, ठीक है। देखिए, 74 MB की फाइल है, ये डाउनलोड हो रही है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगी, और उसके बाद दोस्तों उसकी नेक्स्ट फाइल अगर होगी अपडेट की तो वो भी डाउनलोड होगी और वो भी इंस्टॉल होगी, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस चलता रहेगा। प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको फिर से ट्रायंगल प्रेस करके देखना है कि क्या गेम की और भी कोई अपडेट फाइल है, अगर वो आती है तो आपको फिर से उसको अपडेट कर देना है, और अगर नहीं आती है तब जाके अपने गेम को आपको रन करना है। मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे, ठीक है, ये इंस्टॉल हो रही है, पहले डाउनलोड हो गई, और दोस्तों ये मेथड 100% काम करेगा, ठीक है। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका भाई है इंस्टा पे, आइए मुझसे बात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसने मुझे एग्जिट कर दिया, ठीक है। फिर से मैं ट्रायंगल प्रेस करूँगा, चेक फॉर अपडेट पे जाऊँगा, एक्सप्रेस करूँगा और अब मैं देखूँगा कि अपडेट फाइल है। यहाँ पे इस तरीके का मैसेज अगर आ जाता है, द लेटेस्ट वर्जन इज़ इंस्टॉलेड, यानी कि आपने अब अपडेट नहीं करना है, ठीक है, अब इसका कोई अपडेट नहीं है, सिंपली एक्सप्रेस कर दें, आप बाहर आ जाएंगे, अपनी गेम को रन करें, वो चल जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गई PKG गेम की बात, अगर मल्टी मैन की कोई गेम होती है तो उसको क्या करना, ठीक है। फिर से अब हम मल्टी मैन में चलते हैं, तो मल्टी मैन की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मल्टी मैन की बात कर लें तो मान लीजिए कोई गेम में ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए गॉड ऑफ वॉर कलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये गेम ब्लैक स्क्रीन कर रही है, जब मैं इसको चलाता हूँ तो ये ब्लैक स्क्रीन करती है, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर स्क्वायर प्रेस करें। सबसे पहले आपको ये चीज़ चेक करनी है, थोड़ा सा नीचे आएँ और लेफ्ट की ओर आएँ,
यहाँ पे ये दो ऑप्शन बीडी मिरर और इंटरनल, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन जो है जिससे कि मैंने टिक कर रखे हैं, इसे टिक करना है आपको, ठीक है। ये टिक हो जाते हैं, सिंपली ओ प्रेस कर दें कंट्रोलर में, बैक आ जाए। अब यहाँ से अपनी गेम को रन करें, ठीक है, एक्स प्रेस करेंगे। अब ये गेम जो है आपकी मेन स्क्रीन पे आ जाएगी, एक्स एम बी पे, एक डीवीडी के आइकन में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी गेम पे आ जाना है, डीवीडी पे ट्रायंगल प्रेस करना है, चेक फॉर अपडेट पे आना है, एक्स प्रेस करना है। देखना इसके कोई अपडेट अवेलेबल है क्या, ठीक है, यहाँ पे अपडेट है इसका, सिंपली एक्स प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप इसको जो है अपडेट कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से अपडेट डाउनलोड होके इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा, और ये जब तक अपडेट मांगता है आपको करते जाना है, करते जाना है, ठीक है। जब लास्ट में लिखा हुआ आ जाता है द लेटेस्ट वर्जन इज़ ऑलरेडी इंस्टॉलेड, सिंपली आपको अब कुछ अपडेट नहीं करना है, अपनी गेम को रन करें, गेम चल जाएगी। लेकिन पहले जो मैंने वीडियो बताई है आपको, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वो वीडियो देख लेना, उसके बाद आप ये प्रोसेस को फॉलो करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम किसी भी भाई को आती है तो आप ये मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, और फिर भी किसी भाई की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आइए इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को मैं 100% फिक्स करवा दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा टाइम कभी नहीं मिल पाता है तो मैं मैसेज का रिप्लाई थोड़ा सा लेट करूँ, बट हाँ आपका काम जो है मैं स्टिल करवा दूँ, और जल्दी से अपने 2K होने वाले तो प्लीज़ उसको कंप्लीट करवा दो, ताकि आपके 2K कंप्लीट हो जाएंगे, अपने जो भी YouTube फैमिली है उसके 2K का सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है ना, काम करने में भी अच्छा लगेगा, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तभी मैं आगे और काम कर पाऊंगा, है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा वीडियो को शेयर वेयर करें, लाइक वाइक करें, और अच्छे से कमेंट्स करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे किसी इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।